आपके आसपास बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो आपको दिखाते हैं पॉजिटिव न्यूज। पंजाब के बरनाला जिले के मुमगांव में मुस्लिम भाइयों को एक मस्जिद की दरकार थी। इसके लिए हिंदुओं ने अपनी जमीन दी और सिख समाज ने इमारत के लिए फंड इकट्ठा किया। ये मस्जिद आज भाईचारे की मिसाल बन गई है। इसी भाईचारे से प्रेरित होकर पाकिस्तान के एक छात्रा अकीदत ने चिट्ठी लिखकर मुमगांव के लोगों की तारीफ की है। लखनऊ के मिलिंद इलाके में अपने अलग अलग आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने नाले में फंसे नन्हे पपी को बाहर निकालने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन में लगे एक रोबोटिक आर्म के जरिए कुत्ते के बच्चे को रेस्क्यू किया गया। मिलिंद के काम की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर यूपी के सीएम तक तारीफ कर चुके हैं। ये बच्चे किसी महंगे बोर्डिंग स्कूल के बच्चे नहीं है, बल्कि ये धमतरी जिले के हिरडी गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि बच्चे आगे चलकर किसी से कम न रहे, इसीलिए इनकी इंग्लिश पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की 87 साल की राखी प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में अकेली ही जुटी हुई है और खुद ही टॉयलेट बना रही है। प्रशासन से मदद न मिलने और पैसों के अभाव में राखी ने खुद ही टॉयलेट बनाना शुरू कर दिया। अब लोग इनके जज्बे को देखकर इनके साथ आए हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के सरना गांव की प्राथमिक पाठशाला पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए एक उदाहरण बन गई है। स्कूल में साफ सफाई, व्यवस्थित क्लासरूम, मिड डे मील के लिए साफ सुथरी रसोई, स्वच्छ पीने का पानी और छात्र छात्राओं के लिए टॉयलेट्स का इंतजाम है और इसका सारा श्रेय जाता है स्कूल के प्रिंसिपल आफरीन जैदी को। आफरीन शिक्षा की अहमियत समझती है और संजीदगी से अपना काम करती है। उनकी पॉजिटिव पहल ने बदहाल स्कूल की तस्वीर बदल दी। आज जब हर कोई पश्चिमी संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहा है और वैसा ही पहनावा और बोलचाल अपना रहा है, ऐसे में कर्नाटक का एक गांव ऐसा है जहां के लोग आम बोलचाल के लिए संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। मुट्टूर गांव में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग संस्कृत सीखने आते हैं। रेल में सफर करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर। रेलवे ने फैसला किया है कि अब महिलाओं के लिए आरक्षित कोच को गुलाबी रंग में पेंट किया जाएगा ताकि आसानी से पहचान हो सके और सुरक्षा के लिए कोच को आखिर के बजाय बीच में रखा जाएगा। देश के सभी गांव तक बिजली पहुंचाने के मोदी सरकार के कदम की वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि सभी लोगों तक बिजली पहुंचाने के लिए भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पूरी दुनिया में 2030 तक हर किसी के पास बिजली पहुंचाने के लक्ष्य से काफी पहले ही भारत बाकी बचे 15% लोगों तक बिजली पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा।